तो मोर्चा का एक दिवसीय धरना इनके एरिया मुख्यालय में दिया गया, जिसमें इंटक, एटक, जेएमएस, सीटू के प्रतिनिधि शामिल हुए। मजदूरों के हक अधिकार दिलाने को लेकर किया जा रहा यह प्रदर्शन, जिसमें संगठित और असंगठित मजदूरों की समस्याओं से संबंधित विचार के सवाल पर प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यतः शुद्ध पानी, सड़क, कायाकल्प योजना में हो रही घोटाले के साथ साथ 17 सूत्री मजदूरों के सवाल पर भी प्रदर्शन किया जा रहा है। मीडिया को संबोधित करते हुए रांची जिला ग्रामीण प्रधान प्रभारी कांग्रेस के सुरेश बैठा ने कहा कि संयुक्त मोर्चा ने हाल के दिनों में मजदूरों से 17 सूत्री मांग पत्र महाप्रबंधक को दिया था, लेकिन महाप्रबंधक ने एक भी मांग को अब तक नहीं माना है, जिसके कारण मजदूरों में आक्रोश है। अब तक मजदूरों को पीने का पानी, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य आदि व्यवस्था नहीं बहाल की गई है। अगर प्रबंधन एक सप्ताह के अंदर मजदूरों के हक के सवाल को सॉल्व नहीं करता है तो हम सब महाप्रबंधक के हुक्का पानी बंद कर देंगे और कार्यालय में तालाबंदी करेंगे, जिसकी जवाबदेही प्रबंधन की होगी। 17 सूत्री मांग लेकर के जीएम के यहाँ प्रदर्शन की, जिसमें कायाकल्प कार्य का था, मजदूरों का प्रमोशन का था, डंप खोलने की सवाल था, ठीका मजदूरों की सवाल था, मजदूरों के प्रमोशन की सवाल था, मजदूरों के संडे की सवाल था। यह सब भिन्न भिन्न मुद्दाओं लेकर के हम लोग इकट्ठा हुए थे और यह प्रबंधन को चेता दिए हैं। आज यह आंदोलन का पहला चरण है, भाई तुम सारस मांगों को पूरा करो, अगर ये पूरा नहीं किया तो हम लोग आज से कल तक हम लोग आगे का निर्णय लेने जा रहे हैं और चरणबद्ध आंदोलन करेगा। इनको बाध्य करके इनको सारे जो हमारा मांग है इनको मानना पड़ेगा, ये मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, इनको मानना पड़ेगा।